ગાણું હતું. સો વેલકમ બેક ઇન એ સેકન્ડ વિડીયો. એકચ્યુઅલી ક્યા હુઆ, મેને પિછલે વિડીયો મેં લાઈક બતા દિયા કે યે યે ઓર સવાલ નિકલે. સો બાદ મેં મુજે ઓર લાઈક મેસેજીસ આયે ઇનબોક્સ મેં કે પ્લીઝ આપ સારે સવાલોં કે જવાબ દીજે. ઓર મેને દેખે જવાબ કે જવાબ નહીં દી, મેને જો મેં સોચી થી કોઈ ભી રિપ્લાય અભી કર દો. अभी मैं फिलहाल ऑटो में जा रही हूँ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जाके फिर मैं सारी चीज़ें लाइक क्यूएनए का जो भी है क्वेश्चन है उनके आंसर्स शेयर करूँगी इस वीडियो में. तो और उम्मीद कर मतलब मैंने किया तो था कि आप लोग को मेरा इस वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को भी पसंद करिएगा. मतलब इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोग को पसंद आए. सो नाउ आई एम फिर से वापस पहुंच गई अपनी जगह, बैक टू कॉलिंग. बिफोर कॉलिंग कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, पहले मैं कॉलिंग करूंगी अपना काम हम करके, आफ्टर दैट मैं वीडियो फिर कंटिन्यू शूट करूंगी, क्योंकि वीडियो शूट करने में टाइम लग जाता है. दैट्स वाई इसीलिए अभी नहीं करूंगी, बाद में शूट करूंगी, बाद में चीज़ें बताऊंगी. और बस जैसे कि आज वर्ल्ड शेफ डे है, ये हमारे हेड शेफ यहाँ के क्यूसेंस के, हैप्पी शेफ डे सर. धन्यवाद मैडम. क्या खिला रहे हैं सर इसी बात पे? मैं आश्वासन खिलाता हूँ. शगुन? आश्वासन खिलाओगे? नहीं आश्वासन तो नहीं खाएंगे, कुछ खाने में खिलाइए अपना कोई स्पेसिफिक आपका स्पेशल डिश. कसम आपको भी कसम है, कसम खा लो आप. ये देखो चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच. कौन जीतेगा? मेरे को किसी ने सवाल पूछा था, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? सो आई डू दिस फॉर लिविंग, आई मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आई एम डूइंग जॉब करेंटली इन टू सीन्स. इससे पहले भी मैं जॉब कर रही थी सरोवर में, और इससे पहले जब मैं घर पे थी एज एन रिपोर्टर काम कर रही थी. सो आई डू पार्ट टाइम जॉब्स फॉर लिविंग करंट, और थोड़ा बहुत हो जाता है घर से भी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कभी कभार जब अर्जेंट नीड हो जाती है तब घर से मंगवा लेती हूँ. बाकी मैं अपना खर्चा पानी खुद ही उठाती हूँ, और कभी कभार घर भी भेजती हूँ थोड़ा बहुत. सो आई डू दिस थिंग्स फॉर लिविंग. और सवाल मेरे से क्या थे? तो और मेरे को किसी ने पूछा था वेयर डू यू लिव, कहाँ हो आजकल, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था. सो आई एम इन आगरा. यार अब तो जान जाओ यार, इतने साल, एक साल हो गया लगभग मेरे आगरा में, और सारी वीडियोस में मैं शायद बताती भी हूँ मैं आगरा में हूँ, आगरा में हूँ. सो समझ जाओ, देख लो मेरे वीडियोस तभी पता चलेगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ. यूट्यूब पे अपडेट रहती हूँ मैं, आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं. सो आई एम इन आगरा, आई लिव इन आगरा फ्रॉम पास्ट वन ईयर, एंड बहुत ही अच्छा जा रहा है. आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही अच्छे लोगों से मिली मैं आगरा में. सो दैट्स इट. थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं. सो ये हमारा बुक शेल्फ है, पहले तो आपको ये दिखा दूँ. बहुत एक्टिंग करते हैं कि हम बुक पढ़ रहे हैं. कौन सा पढ़े? किंग्स मॉन्क्स एंड मैरी मॉर्टल्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. अच्छा थोड़ा इधर जाना पड़ेगा. हमारे जेम्स सर आ गए. तो दिस इज अ बुक, किंग्स मॉन्क्स एंड मैरी मॉर्टल अ कलेक्शन, दावा मैनिकम करके ही इज़ द राइटर. मैनिकम, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रही हूँ. तो है किस बारे में ये इधर लिखा हुआ है? किंग्स मॉन्क्स एंड मैरी मॉर्टल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ 10 शॉर्ट स्टोरीज स्पेशली क्राफ्टेड फ्रॉम द
abundant universe of wisdom. You're going to love them as they tease your sense of judgment, entertain you and spark that quest in you all at the same time. So writer kya karte hain? Tava Manickam is a banker by profession and a writer by passion. He writes on spirituality and his stories are spiraling journeys into self-discovery. The author lives in Chennai, India, with his wife and two children. His early work is Ballad of Soul, The Hungry Swan. He can be reached at AA. देखते हैं हम लोग पहला पैरा पढ़ते हैं. So I'm going to read the first paragraph. King Atmadev had a most fulfilling life. He had given away his 9 daughters in marriage and after entrusting his kingdom to his only son, was now preparing to leave for a new life as a hermit. In the valley, it was the custom for elders to renounce all worldly attachments and leave their families to go and live in the woods. It was not a hard and fast rule, but if one had the calling, that was it. ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी. तो मतलब basically I think इस book में ये दर्शाया गया है कि एक ही बहुत rich पिता थे जिनके 9 लड़कियां थी. उनको ब्याहने के बाद उनका जो इकलौता लड़का था उसको उन्होंने अपना पूरा जो किंगडम है दे के आफ्टर दैट खुद वनवास पे चले गए और समथिंग लाइक दैट. कल वीडियो बनाते 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 रुक गई थी, टाइम नहीं मिला, लेट हो गए, ये वो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें. तो और किसी ने मुझे सवाल पूछा था, क्या पूछा था, 2000 रुपये उधार दे दो. सवाल नहीं है ये, भीख मांगा था मेरे से. तो आप लोग मेरे को दे दो, मेरे पास नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो बेसिकली और मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल बोलने के लिए, अभी थोड़ा बहुत सारा काम है. तो मिलते हैं बाद में, खुदा हाफिज़. इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ.